अली, इन सारे ड्रामों में से आपका अपना फेवरेट कौन सा है? Although you have done other players as well. जो कॉमेडी वाले किरदार थे वो तो ऑब्वियसली उनको करने में भी बहुत मजा आता है, पर जो एप्रिसिएशन है उसकी ज्यादा मिलती है, उसका भी मजा आता है. मगर मुझे पर्सनली जो सीरियस कहानियां होती हैं वो मैं बहुत ज्यादा इंजॉय करता हूँ देखना भी और उसमें काम करना भी. तो दो तीन ऐसे प्लेज हैं. एक मैंने एक प्ले किया था, जंजबील आसिम शाह ने वो लिखा था, उसका नाम है कनीज. उसमें मेरा बहुत अच्छा रोल था और वो भी बहुत अच्छे तरीके से वाज वेल रिसीव्ड विद द ऑडियंस. वो मुझे बहुत पसंद है. फिर एक प्ले इमरान अशरफ ने लिखा था, जो इमरान अशरफ का पहला प्ले था, एहसन तालिश ने डायरेक्ट किया था, कॉल्ड ताबीर. वो मुझे एक बहुत अच्छा प्ले पसंद है. इसके अलावा कॉमेडी की बात करें तो कॉमेडी में सारे मुझे तो बहुत अच्छे लगे. डोली की बरात में जो किया, बड़ा अच्छा रोल किया था आपने. जी बिल्कुल. वो जो लिखा पता नहीं किसने था, उसका नहीं मजा. जिन्होंने लिखा था वो तो सामने बैठे हैं हमारे, इसीलिए तो मजा नहीं ना आया. ये हमारे खानदानी दुश्मन है ना, इसलिए. अच्छा, हो चुके हैं. जो मेरा पहला वो था ना, उसमें तो जुमला कहना भी मेरे लिए बहुत मुश्किल था. तो मेरे इर्द गिर्द ये माशाल्लाह सारे इतने जायंट्स थे, बुशापा थी, जावेद साहब थे, वासे भाई और समीना अहमद, सबा हमीद. तो सबा हमीद साहबा के बारे में बताता हूँ, मैंने उनके साथ मेरे ख्याल 3 ड्रामास किए. उनसे मैं जितना घबराता हूँ, हालांकि वो इतनी प्यार वाली है, लेकिन हाँ. वो सीन के अंदर उनके साथ आके पता नहीं मुझे क्या होता है, आई डोंट नो. एक उनका पर्सोना है, क्या है. कुछ एक्टर्स होते हैं इस तरह के, करिस्मेटिक होते हैं बिल्कुल, और कुछ उनकी प्रेजेंस ऐसी होती है. तो मुझे सबा आपा की प्रेजेंस ऐसे लगती है जैसे कुछ स्कूल की प्रिंसिपल किसी भी बात पे वो डांट सकती है. उन्होंने कभी डांटा नहीं, कभी कुछ कहा नहीं, लेकिन वो एक उनकी लुक होती है. मुझे एक बार याद है, वाइब भी है उनकी, एक बड़ी थोड़ी सी एक वाइब है, एक वाइब. और बिकॉज़ शी इज सच अ गुड परफॉर्मर, और आपको जब पता हो कि अगला इतना अच्छा परफॉर्मर है, तो आप अपने अंदर थोड़े से ना कॉन्शियस हो जाते हैं कि ये शायद बिल्कुल ऐसे ही है. ऐसे ही रोज जैसे रिएक्शन की बात हो रही है, तो मैंने आपको देखा तो ऐसे रिएक्शन दिए, इतनी प्यारी लड़की. आपका भी रिएक्शन यही था मुझे देख के, इतना प्यारा खूबसूरत लड़का नौजवान. हाँ जी, आपका काम बहुत अच्छा है. जो मैंने आपका मकान बनाया था उसकी बात कर रहे हैं. लेकिन आप पिछली मरतबा भी आपने कहा था ना कि मैं सोचूंगी, तो क्या सोचा? नहीं, मैंने किसी और के बारे में कहा था, अगर आपको याद हो तो. मैं उस पर बहुत ज्यादा ट्रोल हुई हूँ. अभी मैं बिल्कुल नहीं वो बोलने वाली दोबारा. यहाँ से गई घर और फिर घर वालों ने कहा वाह, तो रिश्ता हुआ. घर वालों ने आपको क्यों मुबारकबाद दी? आपको नहीं, बस वो हैरान थे. अच्छा, हमें पता ही नहीं था वहाँ क्या क्या बोला ही हो. अच्छा, मगर चले हमारे बहाने उनको पता चला. लेकिन जिसको पता चलना चाहिए था उसको पता ही नहीं चला. अच्छा, उसको पता चला भी होगा तो उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया. उसने आपको नहीं बताया? मतलब उसकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया. ये तो बड़ा देखें, यानी कि कितना जुल्म किया जो भी थे वो, अभी तक उनको नहीं पता चला. क्योंकि वो क्लिप बहुत वायरल हुआ था, लेकिन शायद अब उनकी मर्जी है. मैं उनको पसंद नहीं आई हूँ. इसी शहर में हैं या इसी सूबे में हैं या? कराची में. कराची में हैं वो, बताया. सिंगर है. सिंगर? ओ अच्छा, याद आया कुछ. आसिम अज़हर की बात कर रही है. अच्छा अच्छा. आसिम अज़हर से आपकी जान पहचान है? जी जी बिल्कुल है. तो आसिम बड़े अच्छे दोस्त है मेरे. हाँ, तो आप उनको प्लीज बताएं, ये लास्ट टाइम भी आई थी इन्होंने. क्या क्या बात क्या थी? ये कहते कोई लड़का पसंद है. मैंने कहा हाँ, मुझे आसिम अज़हर पसंद है. तो कह रहे थे उनकी मामा भी आई थी यहाँ पर, तो मैं पूरा सेट होकर बैठ गई. ठीक है, सही है. लेकिन और मैंने ये भी कह दिया था कि हाँ, मैं उनसे शादी करवाना चाहती हूँ. ये देखें, इस हद तक उन्होंने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया. देखें कितनी, तो ये बात तो अब फिर से यानी हो गई है ना. हो गई है. तो आई एम श्योर आसिम देखेगा इस शो को. नहीं, आप खुद उसको टैग करेंगे. आप उसको टैग करिएगा. आपके तो दोस्त हैं, तो आप व्हाई नॉट. ये देखें, ये तो आपको अब देखें, वो जो एक वो क्या रूल होता है, 7 डिग्रीज ऑफ सेपरेशन. वो देखें आज ये बात कितनी करीब तक आ चुकी हुई है. आसिम अज़हर ने वैसे कहना लड़की पीछे ही पड़ गई है, वो नाराज हो जाएगा. नहीं नहीं नहीं, उससे अक्सर होता है. आसिम अज़हर एक स्टार आदमी है, उनका बड़ा फैन क्लब है. जी जी. तो आजकल की जनरेशन जो है बड़ी जबरदस्त उनके पीछे लगी हुई, तो आई एम श्योर ही इज प्रीटी यूज्ड टू दिस नाउ. जी नहीं, आई थिंक ही इज अ फिनोमिनल यू नो टैलेंट फ्रॉम पाकिस्तान. एंड उसने जिस तरीके से इंटरनेशनली हम लोगों को, हमारी पॉप इंडस्ट्री से कोई अगर निकला है तो वो आसिम अज़हर है. जो इंटरनेशनली जाके बीबीसी एशियन नेटवर्क जैसे प्लेटफॉर्म्स पे जाके उसने लाइव परफॉर्मेंसेस दी हैं, और वो एट पार थी विद द इंटरनेशनल यू नो परफॉर्मर्स. तो बिल्कुल इनको हम नहीं ब्लेम कर सकते. अच्छा अली भाई, आप आसिम अज़हर के दोस्त हैं, तो क्या वो वाकई जज्बाती हो जाते हैं? यार मैं ये तो नहीं कह सकता कि वो, यानी आर्टिस्ट होता है सेंसिटिव होता है, जज्बाती मैं नहीं कहूंगा. जज्बाती होते थे अली अज़मत. ठीक है कि क्राउड में से किसी ने आवाज लगाई है तो उन्होंने वापस ही क्राउड के अंदर बोल दिया है. ये तो मैंने बहुत बार देखा है. बट लाइक आसिम अज़हर को मैंने देखा है. आसिम अज़हर बहुत फ्रेंडली आदमी है, और इज अ नाइस गाय. ये मैंने वैसे जो भी
इंसिडेंट जिक्र किया अली अजमत का, इस किस्म का मैंने देखा हुआ एक दो वाकयात अली अजमत साहब के साथ, क्योंकि वो एक बड़े रॉकस्टार आदमी है, तो इसी तरह ये उन्होंने कहा कि क्राउड में से किसी ने आवाज लगाई अली अजमत साहब भी आगे से नहीं घबराए, उन्होंने भी आगे से यानी कोई उन्होंने झिझक नहीं दिखाई, झिझक नहीं दिखाई। और मैंने एक ऐसा कॉन्सर्ट भी देखा हुआ है जिसके अंदर कहीं बाय डिफॉल्ट शीशे वाली बोतलें जो होती थी ना जो कोल्ड ड्रिंक्स की, वो एक पार्क के अंदर कॉन्सर्ट हो रहा था तो उसमें कहीं अलाउ हो गई जो कि नहीं होनी चाहिए थी एज रूल, मगर वो अलाउ हो गई तो वो कुछ बोतलें चलना शुरू हो गई। उसी तरह उन्होंने गाना शुरू किया और कोई बीच में भी उससे पहले ही कुछ बोतलें हल्की फुल्की चल रही थी, उसको किसी एक ने मारी, अली अजमत साहब वो थे, बाकी सिंगर चले गए, अली अजमत साहब ने आगे से उनको भी कुछ कह दिया, तो उसके बाद पूरा क्राउड जो था वो एक तरफ सिर्फ बोतलें आ रही शीशे की। और आफरीन ये थी कि अली अजमत ने ना सिर्फ सनग्लासेस लगा के गाना गाते रहे, अली साहब आपको नजर ना आने का मतलब ये नहीं कि बोतलें नहीं आ रही है। कमाल ये होता था कि मैं देखता था कि उनके कॉन्सर्ट्स में गेट क्रैश हुआ है हमेशा, हमेशा देखा है। एक दो बार तो ऐसे भी हुआ है कि भाई खुद साथ ले गए ना, कि कभी कराची आए तो उनसे रापता हुआ, उन्होंने कहा चलो सफीना साथ चलते हैं, तो हम लोग साथ गए। मुझे बड़ा ये अच्छा लगता है, वो इतने बड़े स्टार हैं यार, मगर वो बहुत डाउन टू अर्थ है। बिल्कुल, मैं और वो हम गाड़ी में जा रहे हैं तो वो बड़े, उन्होंने बड़े मजे से कहा, कहते वो गाड़ियां खड़ी हुई थी, बहुत लोग ऐसे इकट्ठे हुए हुए थे, तो कहते मानता है यार तू, तू मानता है तेरा भाई अभी तक रॉक स्टार है। तो हम लोग आगे स्टेज पे जब वो गए तो स्टेज पे परफॉर्म करना स्टार्ट किया, किसी ने बोला ओए गंजे, उन्होंने माइक के ऊपर बोलना स्टार्ट कर दिया कि तू गंजा तेरे घर वाले। You doing, Bo? Good, how are you? You know, I am really very happy today. Why? I am going to be a former leading character in the English film. Allah khair. Yes, co-production bana rahe ne. Co-production? Yes, American and Pakistani people. Achha. He said ke teri zindagi te humne kuhani likhi hai. Aapki zindagi pe? Yes, kehnde ne ek khoobsurat naujawan ladka America se aaya hai. Tari line hi bahut hai. फिल्म शुरू होनी है, बट कहते ने को प्रोडक्शन हैगी 50% तुसी प्रोडक्शन देनी है ते 50% असी देनी है। बट यू नो दैट मैंने करोड़ों रुपए का फायदा होया। अच्छा, हाँ, एग्रीमेंट साइन होया, उन्हें क्या हम $100 लगाएंगे, तुमने 100 पाकिस्तानी रुपीस लगाने हैं। देखो ना, हाले फिल्म ही नहीं शुरू हुई तो करोड़ों का फायदा हो गया। हाँ जी, मैं क्या ओके नो प्रॉब्लम, अज मैं लोकेशन भी वेख आया सवेरे शूट है। यस, बट उन्होंने क्या पहले हाफ द प्रोड्यूसर तू है, बस पहला हाफ में बनाना है ते अगों फिर उन्होंने बनाना है। ₹15,000 लोकेशन वाले ने देना है, फिल्म शुरू हो जानी है, तो मैं उसे तुहाडा नाम ही लिखाया। मैं क्या वासफ चौधरी भी मेरा पार्टनर होगा। मेरे पास नहीं है पैसे। नहीं, आपने नहीं देने, तो आपने देने? सिर्फ हाँ करनी है, मैं घर से आके ले लूंगा। नहीं, जुबान होती है ना बंदे की, नहीं मेरे पास जुबान हो गई, हाँ हो गई, तो जिथे मर्जी मैं दो तीन बंदे मेरे वाकफ ने वो डंडे डुंडे मार के भी ले लें। आप लेडीज जराबा पा के आए लेडीज जराबे क्या होती है? ये अनपढ़ लोगों की यही प्रॉब्लम होती है। तुसी नहीं चाहते तुसी रिच हो जाओ? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं चाहता। भाईजन केरी पार्टी देने? भाईजन जो है फनकार पार्टी है। ओह, फिर तो गल गई। फिर मैं निकल जावा चुपके चुपके। बिल्कुल। किसी को फ्री में भी गाना सुना देते हैं। Let me dedicate you a one song. Thank you, sir. मैनु बंदे दे चेहरे तो लग रहा है कोई सुपर स्टार है। Yes. हाँ जी, मैं क्यों नहीं फिर जानता। ओ छड़ मेरी वीणी ना मरो, ते कच दियां टंगा ते ना तोर, बजो बजी करी दन प्यार। इत्थे तक ही आउंदा छोटे, तुहानूं पसंद आया। वेल डन सर, वेल डन, थैंक यू। एनी वे, ते मैं हुण चलिया फिल्म च काम करन। सिंगर वेख लो, सिंगर पहले वेख लो, अपना होश वेख लो।